जय माता दी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। और आज है 5वां दिन, स्कंद माता का दिन है, माता का नवरात्र का 5वां दिन। आप लोग आशा करते हैं आप लोग भी नवरात्र का व्रत रखते होंगे। और इनका स्कंद माता नाम क्यों रखा गया उसके बारे में भी हम बताते हैं। और आप चैनल पे बने रहिए, आगे हम अच्छे अच्छे मंत्र, संपुट मंत्र बताएंगे जो कि करने से बहुत ही फलदायी होता है। और ये माता स्कंद कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। और इन्होंने माता रानी दुर्गा माता युद्ध में स्कंद को एक हाथ में गोद में लेके और दूसरे हाथ से तलवार में लड़ाई किया था, तो इसलिए इनका स्कंद माता के नाम से पूजा होता है। और ऐसे ही संपुट पाठ हम बताते रहेंगे सप्तशती का, जैसे विपत्ति नाश के लिए क्या होता है, आरोग्य प्राप्ति के लिए क्या होता है, और स्वप्न में सिद्धि या सिद्धि जानने के लिए क्या होता है। ऐसे ऐसे कुछ मंत्र जो हैं हम आपको बताते रहेंगे। और आप चैनल में बने रहिए, और इसके करने से क्या फायदा होता है वो भी हम बताएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आज 2 मंत्र बताएंगे। पहला है विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए। करोति सानः शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापितः। दूसरा है आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दृशो जहि। ये संपुट पाठ है। और इस मंत्र को करने से विशेष फल मिलता है, और विधि पूर्वक पाठ करके विभिन्न कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे मंत्र करते रहा कीजिए। और मंत्र तो बहुत ही हैं, लेकिन ये है कि छोटा छोटा भी आप लोग करते रहेंगे तो आपको भी ऐसे टाइम के रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। जितना भी टाइम रहेगा आपके पास आप कर सकते हैं। और आपका पूजा, उस बहाने आपको पूजा और माता की कृपा भी बनी रहेगी आप लोगों को। तो ऐसे ही पूजा करते रहिए और सुखी रहिए संसार में। आगे हम मंत्र बताएंगे और भी। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए और एक एक मंत्र का ज्ञान लेते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।